हेलो एंड वेलकम बैक, आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा जॉनसन एंड जॉनसन की एक नई लेजर मशीन के बारे में, जिसका नाम है आई डिजाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो 2.0, जो बहुत ही कॉमनली आई डिजाइन या एच डी विजन के नाम से भी जानी जाती है। तो क्या है ये टेक्नोलॉजी, क्या नया आया है इस टेक्नोलॉजी में, और क्या ये टेक्नोलॉजी कंटूरा की बराबरी कर सकती है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आई डिजाइन चीज क्या है। आई डिजाइन बेसिकली एक 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो एक चश्मा हटाने के प्रिंसिपल पे काम करती थी, जिसको हम कहते हैं वेव फ्रंट गाइडेड। और अब 2018 में उसमें एक नया अपग्रेड आया है, जिसमें उन्होंने टोपोग्राफी का फीचर इस टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अब क्या ये टेक्नोलॉजी कंटूरा की बराबरी कर सकती है, क्या उसके इक्वल आ गई है ये टेक्नोलॉजी? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कंटूरा विजन में इतनी अच्छी नजर आती क्यों है। कंटूरा विजन में इतनी अच्छी नजर इसलिए आती है क्योंकि कंटूरा विजन चश्मा हटाने के साथ साथ दो और एडवांटेजेस देती है। सबसे पहले ये आपकी आंखों की खामियों को या इररेगुलरिटीज को ट्रीट करती है, और दूसरा ये विजुअल एक्सिस पे काम करती है। अब हालांकि आई डिजाइन में टोपोग्राफी को इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया है, लेकिन 2 साल हो गए इस टेक्नोलॉजी को आए हुए। 2018 में आई थी ये टेक्नोलॉजी, हम 2020 में पहुंचने वाले हैं। अभी तक इस टेक्नोलॉजी को टोपोग्राफी ट्रीटमेंट के लिए USFDA का सेफ्टी अप्रूवल नहीं मिला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 2 साल से USFDA इस पर रिसर्च कर रहा है, जॉनसन जॉनसन वाले, आई डिजाइन वाले अपनी रिपोर्ट्स उनको भेज रहे हैं, लेकिन USFDA वालों को इसकी टोपोग्राफी वाली ट्रीटमेंट पे 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, 100% सेटिस्फैक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी टोपोग्राफी की ट्रीटमेंट में कमी है, जिसकी वजह से USFDA का सेफ्टी अप्रूवल आई डिजाइन को नहीं मिला। अब आप मेरे से ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब, अगर हम जॉनसन जॉनसन की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे तो लिखा हुआ है कि इनको USFDA का अप्रूवल है। देखिए, वहां पे मेंशनड है कि इनको USFDA का अप्रूवल है, लेकिन बहुत ही स्मार्टली वो आपसे ये चीज छुपा जाते हैं कि उनको किस चीज का अप्रूवल मिला है। इसके लिए आपको USFDA की वेबसाइट पे जाके आई डिजाइन का अप्रूवल लेटर पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके अप्रूवल लेटर पढ़ेंगे तो वहां पे USFDA वालों ने साफ साफ लिख दिया है कि इनको सिर्फ वेव फ्रंट का अप्रूवल है, टोपोग्राफी का अप्रूवल नहीं है। तो आपको सावधान रहना चाहिए ऐसी इंफॉर्मेशन से। ऐसे प्रमोशनल आर्टिकल्स होते हैं जो आपको मिसलीड करते हैं, और आपको हमेशा ट्रू और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन को फॉलो करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि हालांकि ये मशीन तो नहीं है, इसमें टोपोग्राफी की ट्रीटमेंट भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है, लेकिन USFDA के सेफ्टी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसमें टोपोग्राफी ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए आपकी आंखों में। तो जैसे इंग्लिश में सेइंग है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, मशीन तो नहीं है, टेक्नोलॉजी भी इसमें नई इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी गई है, लेकिन USFDA के सेफ्टी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इस मशीन से, आई डिजाइन की मशीन से, आपकी आंखों में टोपोग्राफी का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। टोपोग्राफी के लिए USFDA ने आई डिजाइन को अप्रूवल नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि आई डिजाइन की मशीन से सिर्फ एक ही तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है, जो है वेव फ्रंट गाइडेड, वो तो वैसे भी हर मशीन में अवेलेबल है। तो इसका मतलब आज की डेट में भी सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी है जिससे टोपोग्राफी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, और उसका नाम है कंटूरा विजन। अब नेक्स्ट बात यह है कि अगर कोई कहता है कि मैं USFDA से ऊपर हूं, मैं USFDA की सेफ्टी गाइडलाइंस को नहीं मानता, मैं तो आंखों में रिस्क लूंगा और टोपोग्राफी का ट्रीटमेंट करूंगा, तब भी आपको यह समझना जरूरी है कि आई डिजाइन में नंबर ऑफ पॉइंट्स जो ट्रीट होते हैं वो है 1250, और कंटूरा विजन में नंबर ऑफ पॉइंट्स जो ट्रीट होते हैं वो है 22,000। इसका मतलब कंटूरा विजन आई डिजाइन से 20 गुना ज्यादा पॉइंट्स पे काम करता है। तो आई डिजाइन टोपोग्राफी ट्रीटमेंट के बावजूद भी कंटूरा की बराबरी कर ही नहीं सकता। तो एक लाइन में समअप करते हुए, जॉनसन जॉनसन ने नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है आई डिजाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो के नाम से, लेकिन इसमें टोपोग्राफी का अप्रूवल उनको नहीं मिला है, 2 साल हो गए USFDA के द्वारा। इसका मतलब इसकी टोपोग्राफी की ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं कमी है, जो इसको अप्रूवल नहीं मिल पा रहा, और इससे आपकी आंखों में टोपोग्राफी का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए USFDA की सेफ्टी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई USFDA की सेफ्टी गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करता और वो कहता है कि मैं आई डिजाइन से टोपोग्राफी का ट्रीटमेंट करूंगा, तब भी आपको यह समझना जरूरी है कि आई डिजाइन कम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे काम कर रही है, कंटूरा विजन 20 गुना ज्यादा पॉइंट्स पे काम कर रही है। तो ऑफकोर्स की बात है, क्वालिटी कंटूरा विजन में बहुत बेटर आएगी। तो बस यही मेरे को आपसे शेयर करना था। इंटरनेट में बहुत ही मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, प्रमोशनल कंटेंट अवेलेबल है, तो उस कंटेंट से आपको सावधान रहना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल बी बैक सून।